हेलो दोस्तों, मैं रोशन शाह शाह टोगेरी से। ये जो है क्लच का इनर आउटर जाम हो गया इनका। ये इनर आउटर देखिए आप पीछे की तरफ से, ये रहा, ये देखो, ये जो बता रहा हूँ ना वही है क्लच इनर आउटर। तो इसको चेंज करना है अपने को। तो अभी पीछे से कैसा खोलना है अपने को, पीछे आके मैं बताता हूँ आपको। राइट साइड से गाड़ी उठा के ये देखिए कहाँ पे टाइट है ये आउटर, ये पट्टी में आउटर टाइट है। 12 का पाना लगता है ये दोनों को, ये दोनों बोल्ट को खोलना है 12 के पाने से। ये देखो उस तरह से खोल लेने का पाने से। ये ऊपर का ढीला हो गया तो ऊपर का बोल्ट खोलने के बाद फिर नीचे का बोल्ट जितना खोल सकते उतना खोलने का, पूरा नीचे तक भी खोल लेंगे तो सही रहेगा। ये देखो ये आउटर ऑटोमेटिक ऊपर चले गया। ये पट्टी को नीचे की तरफ दबा के हुक में से निकाल लेना है लॉक में से अपने को। ये देखो ये जो पट्टी दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद में आउटर को निकाल लेना है, फिर आगे जाना है। ये आगे आ गए अपन। ये आउटर नंबर है 1910092। पीछे से खोलने के बाद आगे आना है अपने को। आगे आके ये जो हुक अटका हुआ है इसके अंदर पट्टी में फंसा हुआ जो आउटर, उसको खींच के निकालना है। उसको किस तरह से निकालना है देख लो आप लोग, और वीडियो पूरा देखना, वीडियो भागा भागा के मत देखना, नहीं तो जो भी जानकारी आधी अधूरी मिलेगी आप लोग को। पूरा वीडियो देखना आप। ये देखो ये आउटर है, इसको खींचना है पीछे की तरफ। ये देखिए अच्छा निकल जाता है, पीछे की तरफ खींचने के बाद आउटर निकल जाएगा। ये देखो ये हुक में से निकाल लिया अपन, लीवर के अंदर से भी। ये देखिए निकल गया। अभी नीचे की तरफ से थोड़ा ये जो जॉइंट के अंदर से आया है ना, उसको नीचे की तरफ से खींच लेना अपने को। ये देखो नीचे से खींच के बाहर की तरफ निकाल लेना है। हाँ, सब जॉइंट के बीच में से बाहर की तरफ निकाल लेना अपने को। ये नया आउटर ले लिया हमने, इसके भी ये नट और ये जो नट लगे हुए दोनों और ये रबड़ निकाल लेना है अपने को। ये देखो ये सब निकाल लेना है बारी बारी से, और इसको लास्ट में लगाना है जब पीछे आउटर खींचने के बाद, उसको पीछे ले जाके पीछे पीछे टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी अपने को, जब आउटर पीछे की तरफ से बाहर आ जाएगा इंजन के पास तभी। अभी अपने को टेप मार लेना है, ध्यान से टेप मारना है, लेकिन नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं अटक पटक के फंस जाए। ये देखो आउटर आगे की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं हम लोग, किस तरह से प्यार से लेके जाना है। ये लोखंड का जो क्लिप है उसके अंदर की तरफ से लेके जाना है। वो देखिए गोल गोल राउंड जो दिख रहा है ना उसकी तरफ से। ये देखो आप लोग, अब जिस तरह से निकाले उसी तरह से लगाना है। पहले लीवर में फंसा लेना है गुंडी। हाँ, ये गुंडी फंसा लिए, फिर बराबर उसके पट्टी में अटका देना है बराबर से। हाँ, ये देखो एक बार और निकाल के बता रहा हूँ, एकदम परफेक्ट फिट होना चाहिए, आड़ा तेड़ा नहीं रहना चाहिए, एकदम परफेक्ट, ध्यान रखो। आओ चलो पीछे चलते हैं। हाँ, ये देखिए ये टेप मारना है अपने को, नया वाला अटकाने के बाद अपने को अच्छे से टेप मारना है, सब ध्यान से। डबल टेप नहीं मारना है, मतलब ऐसे आउटर के ऊपर आउटर नहीं चढ़ाना है, आउटर के ऊपर से वायर आना चाहिए, ज़्यादा मोटा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो, नहीं तो आउटर डालने में अटक जाएगा। उसको अच्छी तरह से टेप मार लेना है कि बाहर निकले ना खींचने के टाइम पे। ये देखो एकदम परफेक्ट, थोड़ा लंबा ही तोड़ना है क्योंकि खींचने के टाइम पे वो गायब हो जाता है, तो थोड़ा लंबा रहेगा तो छुड़ाने के छुड़ाने को काम आएगा अपने को। अब पीछे जन को खींचने के लिए बोला हूँ मैंने, और ये आगे से अपने को सिर्फ जॉइंट में अटकने नहीं देना है, ध्यान रखो जॉइंट में एकदम बराबर बीचों बीच में जाना चाहिए। हाँ, ध्यान से एकदम परफेक्ट ऐसे, इसी तरह से आगे से पुश करना है और पीछे से खींचना है एकदम को। हाँ, ये देखो परफेक्ट एकदम ये हो गया,
और थोड़ा सा आउटर, थोड़ा सा खींच लेना आगे की तरफ। हाँ बस, अभी आओ पीछे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया है अपना आउटर। अभी टेप छोड़ा दिए, और ये इनर आउटर डालना आपको सिखा रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो आगे शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन ऑल पे कर दीजिए। अब ये बोल्ट जो हमने रखे थे निकाल के, ये बोल्ट एक एक, एक बोल्ट डाल लेना है अपने को पूरा नीचे तक, पूरा आउटर को लास्ट तक जाने देने का एक बोल्ट को। हाँ ये देखो, और एक बोल्ट ऐसे रख देना है क्योंकि पट्टी के बीच में अपने को आगे पीछे करना पड़ेगा इसके लिए। ये देखो किस तरह से पट्टी के बीच में लगाना है, बोल्ट को आगे की तरफ करना है। ये देखो ये बरोबर ये आउटर उसके अंदर फंसा देंगे आप। ये देखो ये हमने पट्टी के बीच में बरोबर डाल दिए जो ब्रैकेट बना हुआ था आउटर फंसने के लिए। हाँ अभी अपने को हुक में अटका देना है उसके रिवर्स के, इसके क्लच के, क्लच के हुक में अटका देना है और खींच के, ध्यान रखो वहाँ पे फंसाने के बाद अपने को आउटर नीचे की तरफ खींचना है, और ये नट अपने को नीचे वाला नट जो है टाइट करना है, नीचे वाला नट टाइट करते हुए जाना है, हाथ से सिप करना है अपने को नीचे का नट, और ऊपर का जो नट है वो पाने से करना है अपने को, ध्यान रखना। नहीं तो नीचे का पाने से कर देंगे तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा क्लच, और इसको एकदम परफेक्ट टाइट करना है, इसको एकदम परफेक्ट टाइट करना है 12 के पाने से। हाँ ये ऊपर की तरफ से टाइट करना है, नीचे नहीं करना, नहीं नीचे करोगे ना अगर ऊपर करना ढीला रहेगा तो आउटर क्लच का वायर टाइट हो जाएगा। ये देखो ध्यान रखो टाइट होने का, ढीलना नहीं चाहिए। अब चलो आगे जाके देखते हैं अपन क्लच का आउटर एकदम ठीक से डालें कि नहीं। ये देखो एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो गया। चलो ओके बाय।